हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सिल्वर फॉक्स गेमर यूट्यूब चैनल की और एक नया वीडियो में। तो भाई लोग कैसे हो, आई होप कि सब लोग अच्छे हो एंड बढ़िया हो और आगे भी अच्छे रहना। तो भाई लोग मुझे मिल गए बिल्कुल ही फ्री में फेडरल रॉयल से मिस्टर के कैरेक्टर। तो भाई लोग आज अपन इस कैरेक्टर की जितने भी पैसिव स्किल और एक्टिव स्किल का फ़ायदा है उसके बारे में फुली डिटेल्स में बातें करेंगे। तो भाई लोग इसका जो लेवल अप है वो 8 राउंड का है, तो मैं यहाँ पे 4 राउंड तक ही करवाया क्योंकि मेरे पास लेवल अप कार्ड नहीं है और मैं लेवल अप कार्ड खरीद के मेरा जो डायमंड है वो वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस मंथ की लास्ट वीक में मुझे 4 डीजालो गिव अवे करना पड़ेगा। तो इसका जो बाकी जो चार लेवल बाकी है उसको मैं बाद में खेलते खेलते आराम से कर पाऊँगी, इसलिए डायमंड वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो भाई लोग इसका जो मतलब स्किल है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर एक्टिव स्किल नहीं, दूसरे जो कैरेक्टर का एक्टिव स्किल है मतलब आलोक का वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसका एक्टिव स्किल पहले से ही है। तो भाई लोग इसका एक्टिव स्किल और पैसिव स्किल के बारे में अपन आप लोगों को फुल्ली डिटेल्स में बोलेंगे वो भी गेम प्ले के साथ। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारा सारा का सारा वीडियो आपके पास पहुंचे सबके पहले। तो भाई लोग आप लोगों को पहले सबसे पहले जो इसका जो फ़ायदा देख पाएंगे वो है उसका पैसिव स्किल का फ़ायदा। तो पैसिव स्किल का 2-3 फायदा है, उसमें से आप लोग देख पहले जो सबसे पहले जो फ़ायदा देख पाएंगे वो है आप जब प्लेन से लैंड करेंगे तब से आपका ईपी जो ईपी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, मतलब आप गेम्स मतलब जब से प्लेन से लैंड करेंगे तब से भुइया करने तक मतलब लास्ट तक आपका ईपी बढ़ेगा, मतलब अनलिमिटेड एक्सपी की तरह काम करेगा। तो उसका जो दूसरा फ़ायदा है वो है आपका जो ईपी है, अगर आप कहीं पर डैमेज या जो आपके आप अगर फाइट करेंगे तब आपका जो एक्सपी वो आपके डैमेज पड़ने के बाद एक्सपी माइनस हो जाएगा, तब आपका जो ईपी है वो एक्सपी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका जो तीसरा फ़ायदा है वो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पैसिव स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, मतलब आपके साथ साथ इस फायदे में आपके फ्रेंड भी शामिल होंगे। तो इसका पैसिव इसका जो तीसरा फायदा उसका इसका जो पैसिव स्किल का इसका जो तीसरा फायदा वो है इसको आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा जो मेरा साइड में एक रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, तो उस रेड कलर की सर्कल के अंदर अगर आप में स्क्वाड या ड्यू में खेलेंगे तो बंदे के ऊपर राश करेंगे तब आपकी जितने सारे मतलब दोस्त है जिन लोगों के पास आलोक नहीं है तब उन लोगों की एक्सपी माइनस होने के बाद बहुत टाइम लगता है मेडिकेट करने में, तो वो लोग मेडिकेट करने चले जाते हैं छुप जाते हैं तब आप अकेला फाइट करेंगे। तो इसमें आपका बहुत ही मतलब आपकी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर आप ये इसको चालू करेंगे तब आपके फ्रेंड अगर पहले इनिलर या मास्टरूम यूज़ करके ईपी मतलब 100-200 करके रखेगा तो उसको अगर माइनस पड़ेगा फाइट राश करने के टाइम पे, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उसका जो ईपी है वो आलोक से भी मतलब आलोक यूज़ करने पे जितना जल्दी से आप मतलब एक्सपी मिलते हैं उससे भी 2 गुना जल्दी से आपकी जो ईपी है वो एक्सपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई लोग इसका एक छोटा सा एक माइनस पॉइंट है कि आप अगर आपके पास आप आपकी जो जब ये इसका जो एक्टिव स्किल चालू करेंगे तब आपका जो ईपी है वो ईपी स्टॉप हो जाएगा, ईपी बढ़ेगा नहीं, मतलब एक्टिव स्किल जब तक चालू रहेगा तब तक इसका ईपी बढ़ेगा नहीं। तो इसको आपके अगर मतलब बहुत ही एक्सपी का बहुत ही मतलब ज़रूरत नहीं होगा तो आप इसका एक्टिव स्किल को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ईपी अगर नहीं रहेगा तो आप अगर आप खामोखा ही इसका एक्टिव स्किल चालू करके रखेंगे तो आपका ईपी बढ़ेगा नहीं और आप जब इसको इसका काम लगेगा मतलब इसका ज़रूरत होगा तो आप यूज़ करेंगे तो आपका जो एक्सपी ईपी है
वो नहीं रहेगा तो आपकी एक्सपी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको भाई इसका जो एक्टिव स्किल है वो भाई आलो की जैसे ही एक मिनट तक रहता है, तो इसको आप एक मिनट के पहले भी बंद कर पाएंगे। उसका जो यहाँ पे जो एक बटन है आलो की जैसे ही एक बटन है वहाँ पे टच करके आप इसको बंद कर पाएंगे, और एक मिनट हो जाने के बाद फिर से इसको आप चालू कर पाएंगे। तो देखिए अब मैं अभी इसका जो एक्टिव स्किल है इसको बंद कर दिया, क्योंकि आपको आप लोगों को मुझे देखना है कि मेरा ईपी है वो कैसे धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, और इसलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया वीडियो का, ताकि आप लोगों को मैं पूरा दिखा पाऊँ कि मेरा ईपी है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भाई लोग ये वीडियो, और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब मैं ये वीडियो मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरा जो हम फ्री फायर का नया सीज़न रैंक सीज़न आ गया था, तो मैं रैंक में नहीं खेल पा रहा था क्योंकि रैंक सीज़न बंद था, तो इसलिए मैं इसको क्लासिक में ही बना दिया। तो भाई लोग अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा 100 के ऊपर हो गया है, जो मेरा ईपी है वो 100 से ऊपर हो गया। तो 130 होने के बाद मैं इसको आपकी जो मैं जैसे भी करके डैमेज होने के बाद आपको इसका जो एक्टिव स्किल का जो फ़ायदा है वो आपको दिखाएंगे, कितना जल्दी से मतलब आलोक से भी दोगुना जल्दी से मेरा जो एक्सपी है वो बढ़ता है, ईपी से एक्सपी में कन्वर्ट होता है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो भाई लोग यहाँ पे एक बंदा है वो मुझे डैमेज, मैं मेरा साथी को बोला कि उसको मत मार, क्योंकि उस अगर वो मुझे डैमेज देगा तभी मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा मेरा एक्टिव स्किल। भाई लोग ये चिमकंडी की तरह भाग रहा है, मुझे डैमेज नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़िए, मैं अभी उसको क्या करूँ, वो मुझे डैमेज ही नहीं दे रहा है तो क्या करूँ। तो भाई लोग वो मुझे डैमेज नहीं दिया तो उसको मैं मार दिया, तो मैं अभी इस ड्रम को तोड़ के मैं नॉक हो जाऊंगा, और नॉक होने के बाद मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे रिवाइव करेगा, तब मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका एक्टिव स्किल का पावर, भाई इसका एक्टिव स्किल का पावर बहुत ही धासु है, आप लोग देख ही पाएंगे। तो भाई आज तक मुझे लगता है आज तक आलोक को मतलब आलोक से भी कुछ अच्छा कैरेक्टर आया है तो ये है मिस्टर के। तो भाई लोग देखिए आप लोग मेरा एक्सपी कितना जल्दी से जो ईपी है वो एक्सपी पे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आलोक में तो सिर्फ 50 एक्सपी मिलते हैं, लेकिन इससे आप मतलब 100 तक ईपी से एक्सपी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो भाई लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए ओपन है, और अपने जितने सारे दोस्त हैं सबके पास वीडियो को शेयर कर देना। और लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करने में आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं हर मंथ पे 4 डिजा लोग गिवअवे करने वाला हूँ, तो इस मंथ की लास्ट में 2-3 डिजा लोग गिवअवे करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो भाई लोग अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पास में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको टच करके सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। बाय बाय।